गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने से पहले एक छोटी सी कविता पढ़ते हैं। कुम्हार ने मिट्टी लाकर एक घड़ा बनाया, कुम्हारिन ने रंग लाकर उसको खूब सजाया। नाना जी दाम चुकाकर घड़ा घर ले आए, नानी जी भर भर सबको पानी ठंडा पिलाए। महक महक कर घड़ा मन ही मन मुस्काए। इस कविता में कुम्हार, मिट्टी, घड़ा, कुम्हारिन, नाना जी, घड़ा आदि संज्ञा शब्द प्रयोग किए गए हैं। संज्ञा शब्द पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, संज्ञा शब्द किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कविता में आए ये संज्ञा शब्द कुछ पुरुष जाति के हैं और कुछ स्त्री जाति के। पुरुष जाति के कौन कौन से शब्द हैं? कुम्हार, घड़ा और नाना। वैसे ही स्त्री जाति के शब्द हैं कुम्हारिन, मिट्टी और नानी। तो हम कह सकते हैं कि कुछ संज्ञा शब्द पुरुष जाति के होते हैं तो कुछ स्त्री जाति के। तो बच्चों, आज हमको पढ़ना है लिंग। हमने जैसे देखा कि संज्ञा शब्द स्त्री जाति के और पुरुष जाति के हो सकते हैं, तो आइए उसी के आधार पर उसकी परिभाषा देख लेते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध हो उन्हें लिंग कहते हैं। भी प्राणी तथा वस्तु व्याकरण की दृष्टि से पुरुष होगा या स्त्री, इसी आधार पर हिंदी में लिंग के दो भेद माने गए हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। आइए लिंग का पहला भेद देखते हैं, पुल्लिंग। पुल्लिंग का अर्थ है पुरुष जाति। पुल्लिंग की परिभाषा देख लेते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। उदाहरण, पिताजी टेलीविजन देख रहे हैं, धोबी कपड़े धो रहे हैं। पिताजी तथा धोबी पुल्लिंग शब्द हैं। आइए कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। कुछ प्राणी पुरुष जाति के होते हैं, जैसे ऊंट, मुर्गा, लड़का। वैसे ही कुछ वस्तुएं अपने रूप, आकार या वजन के कारण पुल्लिंग मानी जाती हैं, जैसे पहाड़, वृक्ष, महल आदि। लिंग का दूसरा भेद है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का अर्थ है स्त्री जाति। स्त्रीलिंग की परिभाषा देख लेते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, माँ खाना पका रही है, धोबिन कपड़े सुखा रही है। इन पंक्तियों में माँ तथा धोबिन शब्द स्त्रीलिंग है। आइए स्त्रीलिंग शब्द के कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। कुछ प्राणी भी स्त्री जाति के होते हैं, जैसे गाय, लड़की आदि। कुछ वस्तुएं अपने रूप, आकार या वजन आदि के कारण स्त्रीलिंग मानी जाती हैं, जैसे घास, कमीज, किताब आदि। हिंदी भाषा में कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देख लीजिए, दिनों के नाम, रविवार, सोमवार, मंगलवार आदि। महीनों के नाम, फरवरी, मार्च, अप्रैल आदि। पहाड़ों के नाम, हिमालय, अरावली आदि। ग्रहों के नाम, सूर्य, शुक्र, बुध आदि। पृथ्वी जो है वो पुल्लिंग में नहीं आता है, यह एक अपवाद के रूप में है। धातुओं के नाम, सोना, तांबा, चांदी। चांदी धातु भी स्त्रीलिंग में चली जाती है, यह भी यहाँ पर एक अपवाद के रूप में आया है। देश तथा राज्यों के नाम, जापान, मेघालय, असम आदि। जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया कि पृथ्वी एक अपवाद है, आप फिर से समझ लीजिए। जैसे ग्रहों के नाम हैं, सूर्य, शुक्र, बुध तथा अन्य ग्रह भी जो हैं वो पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जो स्त्रीलिंग में चला जाता है। उसी प्रकार से धातुओं के नाम में भी सोना, तांबा और अन्य धातु सभी पुल्लिंग में आ जाते हैं, जबकि चांदी ही एक ऐसा धातु है जिसे हम स्त्रीलिंग में रखते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं
जो दोनों रूप में समान होते हैं, अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में वे शब्द दोनों रूप में समान रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सभी दोनों रूपों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। आगे हम देखते हैं, कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयोग होते हैं, उसको समझ लीजिए, देख लीजिए। भाषाओं के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती आदि। लिपियों के नाम, रोमन, देवनागरी, फारसी आदि। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, गोदावरी आदि। तिथियों के नाम, पंचमी, अमावस्या आदि। ये सारे शब्द जो हैं वो सदैव स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सदैव पुल्लिंग के रूप में ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इसका स्त्रीलिंग रूप नहीं होता। जैसे तोता, मच्छर, कछुआ, खरगोश, खटमल आदि। उसी प्रकार से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, इसका पुल्लिंग रूप नहीं होता। तितली, कोयल, मैना, चील, मक्खी और मछली, ये सदैव स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो आप लिंग को बढ़िया से पढ़ें और अच्छे से समझें, साथ ही इसके जो प्रश्नोत्तर आपको दिए गए हैं वो आप अपनी क्लास व कॉपी में लिखें। धन्यवाद।